Hey guys, welcome to this amazing journey to explore the classics of India. We are riding to the dream destination, Goa. Not the popular beaches, but the rural villages. Check out the authentic food that they eat. This hunger has got us to our first spot, Chapora. मेरा क्या रास्ता है इधर? खतरनाक रे, देखा? कोई बोलेगा ये रास्ता इधर? So finally हम चापोरा आए हैं. टाइनी सा विलेज है, बट बहुत प्यारा है, लोग बहुत प्यारे हैं. तो सचिन भाई से मिल रहे हैं. सचिन भाई के गाँव आइए. नमस्कार आई. ये मेरा दोस्त अनिल. सो जस्ट देखते हैं, अभी आते आते तो बहुत लेट हो गया, थोड़ा रेस्ट करेंगे आज का दिन. सो लेट अस जस्ट चेक आउट व्हाट्स रिटन, कल क्या होगा यहाँ पे. सचिन, एक कैबेज की भाजी क्या है? अच्छा, कारली की भाजी. ये जो पोटैटो आप देख रहे हो, रवा है, उसे उसे कोट करके उसको अच्छे से ग्रिल किया, बहुत यम्मी लग रहा है. एंड दिस ग्रेवी, कोकोनट ग्रेवी जो ड्राई वटाना है, इट स्क्रीम्स गोवा. का अलग एक डेफिनेशन मिल रहा है जो वन फूड है उसके लिए. बहुत बढ़िया लग रहा है. डे वन एंड इट्स बैंग ऑन. थिंग्स आर जस्ट सेटलिंग अप, लेट्स एक्सप्लोर द प्लेस अ लिटिल. On to the nearby famous Mapusa market. पूरा भरा हुआ मार्केट है. सब स्वीटी है. अच्छा, पूरा गोवन स्पेशल है क्या? जो भी नाम है सब कोकोनट का बना हुआ है. अच्छा, कोकोनट से कोकोनट पेस्ट. एक्चुअली हम लोग बेबिंका के आगे कभी गए नहीं. ऑल वी नो दैट इज बेबिंका. सो नाउ आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स ऑफ इट. पिनाग हो गया, डोडल हो गया. सो जस्ट वी वर स्ट्रॉलिंग थ्रू द थोड़ा मापुसा मार्केट एंड वी जस्ट फाउंड आउट टू आंटीज. व्हाट दे आर एक्चुअली सेलिंग इज द बैंड्स, बट लेट मी जस्ट टेल यू, दे स्पीक रशियन. दे आर हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नमस्ते आंटी लोग. नमस्ते. आपने बोला रशियन आता है, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है. आप एक दो लाइन बोल दोगे? दवाई ताकोई बोलेगे तो ले लो. और कुछ? स्कोलका. स्कोलका. स्कोलका मीन्स How much you pay? Ask for you, Kagzao. Kagzao. तुम्हारा नाम क्या है? Your name, Kagzao. Yeah. क्या बात है? मालूम है अपने इंडियन लोग रशियन बात कर रहे हैं एकदम. बहुत बढ़िया है. Quite sweet. So, I'm at the St. Peter's Bakery now. Mapusa Market में बहुत नाम है इनका. कौन सा ब्रेड है ये? ये स्वीट है, बड़ा वाला. अच्छा, ये बड़ा वाला स्वीट है? ये छोटा स्वीट है. छोटा स्वीट, ओके. कतरे पाव बटरफ्लाई ब्रेड. कातरी पाव बटरफ्लाई ब्रेड, ओके. फोड़ी है गेहूं का. ये फोड़ी तो बहुत फेमस है. ये छोटा है, बड़ा वाला नॉनवेज के साथ खाते हैं ना इसको. और ये ब्रेड. सर जी, ये क्या आइटम है? बेंगल ब्रेड. बेंगल ब्रेड. बेंगल. बेंगल ब्रेड काय के लिए, किसके साथ खाया जाता है? चाय के साथ खाते हैं. अच्छा, चाय के साथ. Quite interesting. Day 2 ends at the market itself, but there is something special coming up tomorrow. सो कल हम लोग एकदम एक्सट्रीम एंड में जाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ आए थे गोवा. एकदम गांव में पूरा एंट्री, पूरा डीप अंदर जाएंगे यहाँ का जो खाना है देखने के लिए. Did you know Goa is not only about beaches, it has dense forest too. हेलो गाइस, सो हम अभी केरी विलेज में एंट्री मार चुके हैं. सातारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. गोवा के एकदम एक्सट्रीम है, बीच से बहुत लंबा है. टूरिस्ट लोग तो यहाँ मुश्किल से मिल रहा है. सो यहाँ एक बहुत खास सर से मिलने वाले हम, केरकर सर नाम के. कहीं ना कहीं जो हमारा मिसिंग लिंक है, केरकर सर कम्प्लीटली पूरा करेंगे इसको. बिकॉज वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, इस एनवायरमेंटलिस्ट, सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सालों से है. बहुत सारे जो ट्राइबल फॉरेस्ट एरिया में बहुत सालों से वो काम कर चुके हैं, रह चुके हैं. सो कल भी जब शाम को हमें मिले थे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया. आई जस्ट होप कि आज कैमरा के सामने उसमें से थोड़ा बहुत भी बोल दे. इट्स क्वाइट यूनिक कि कैसे इन्फ्लुएंस बढ़ के, हाउ द थिंग्स चेंज आउट हियर. दो तीन यहाँ के लोकल डिशेज भी बताने वाले हैं. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड. केरकर सर वॉज बिजी अटेंडिंग सेवरल एंथुसियास्ट्स, बट ही मेड श्योर एवरीथिंग वॉज टेकन केयर ऑफ फॉर मी.
सो वी आर ऑल सेट. जो हमारा जो गोवा का जर्नी है, यहाँ का जो खाना है, केरी गांव में आए हम. सबसे पहला डिश बन रहा है एकदम मैकरेल का, एकदम गोवन स्टाइल में बन रहा है पूरा. बहुत एक यूनिक स्पाइस है, बहुत लोगों ने सुना होगा ट्रिफल नाम का. तो मैंने जैसे एक चीज़ एक पीस टेस्ट किया, इट्स क्वाइट यूनिक. दिस थिंग दैट यू सी, जो फ्रेश वाला ब्लैक पेपर है वैसा दिख रहा है, बट व्हेन यू टेस्ट इट इट्स कम्प्लीट डिफरेंट. ताई त्रिफल ना नाव याचं, बांगड्याच्या कढीमध्ये टाकतात. ओके, सावर है, थोड़ा स्पाइसी है. इट्स क्वाइट गुड, इट्स क्वाइट यूनिक. सो दीज आर ऑल द गोवन स्पाइसेस दैट आर यूज्ड, जो यहाँ गाँव में यूज होता है. क्या दो बात का फर्क है? चिली पाउडर है ना ये? चिली पाउडर है. हाँ, ये और पाउडर है. अच्छा, हड़ा टर्मेरिक, जस्ट लुक एट द कलर ऑफ द टर्मेरिक. चालू. एंड जो त्रिफल है वो परफेक्ट. जैसे मैंने आपको कहा था, जब हम जाएंगे गाँव में एक अलग एक पहलू दिखेगा गोवा का. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. कलर मस्त आला है एकदम. जैसे हम क्वांटिटी में बुके गार नहीं बनाते हैं, बंडल ऑफ हर्ब्स बोलते हैं ना, वैसी टर्मेरिक के पत्ते को बांध के उसमें छोड़ा गया है. देयर गोज द मैकरेल इन द गोवन करी, गोवन स्पाइसेस. बहुत बढ़िया स्मेल कर रहा है इधर, एकदम छोटे से कमरे में और स्मेल निकल के आ रहा है पूरा उसका. सो दिस थिंग दैट यू सी एट केरकर सर्स हाउस, सो दिस इज बेसिकली एन ऑफरिंग टू द एलिफेंट गॉड. दिस इज द हेड ऑफ द एलिफेंट. वंस दैट यू सी हियर, दैट्स हैंगिंग, इट इज़ द ऑफरिंग मेड टू द एलिफेंट गॉड. तो कैसा होता है, जो गाँवों में है या गोवा के, एलिफेंट्स आते हैं, घर फसल सब बर्बाद करते हैं. सो व्हाट द गाँव वालास डू इज, वो प्रे करते हैं, दे प्रे टू द एलिफेंट गॉड. तो वैसे ही इनके घर पे अभी तक ये ट्रेडिशन मेंटेन किया गया है. क्वाइट यूनिक, अच्छा लग रहा है. तो ये पीसा जाएगा, एंड जो हमारा बांगड़ा फ्राई बन रहा है अभी, गोवन बांगड़ा फ्राई, उसमें लगने वाला है ज़बरदस्त एकदम. सो ये जो है, दिस इज अनइन्फ्लुएंस फूड, जो यहाँ का लोकल फूड है, जो यहाँ गाँव में बनता है. फिर उसमें इन्फ्लुएंस लगा पॉचिज का, जैसे कल केरकर सर बता रहे थे, तो उनसे भी थोड़ा दो बात निकालने की कोशिश करेंगे. मस्त है, सगळं दाखवायचं होतं एकदम. काल ते बोलत होते चांगले, आता कॅमेरा समोर बोलताय का बघूया विचार. बोलतील ना. सो फ्रेश टर्मरिक लीव्स काटा जा रहा है. दीदी हंस रही है, क्या हो रहा है? बट ये आपको गोवा का मैक्स दिखाएंगे हम. हाय गाल्दी चपान. एक डिस्टिंक्ट एक अलग से एक फ्लेवर है उसमें, एरोमा. आई गेस जब मच्छी के साथ रैप होके पकेगा तो मच्छी उसका फ्लेवर एब्जॉर्ब कर लेगा. तो करी तो रेडी, अपना जो बांगड़ा कड़ी है रहने जा रहा है मेरे को. ज़बरदस्त हो गया, बहुत सही लग रहा है. कोकोनट टैंजिनेस बहुत ताई मस्त टेस्ट आला एकदम. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत मस्त लग रहा है. एक अलग एक फ्लेवर लग रहा है, कोंकण का एक. ए वाओ, तो कैसे ओवरलैप किया है देखना दीदी ने इसको. अभी इसमें रैप होगा अपना फिश बांगड़ा. ऐसे ही हमने रायगढ़ में पोपटीज देखा था, तो गोवा में उसी का सिमिलर है, बट जो रैप करने का तरीका अलग है, जो लीव्स यूज़ किया जा रहा है वो अलग है. जस्ट लुक एट इट, हाउ प्रिसाइसली इट इज डन. तो प्यारा सा एक पॉकेट बनाया गया है इसका रैप करके, जो टेक्निक्स यूज होते हैं जैसे हमने बताया गाँवों में. सारे बुक्स फेल है उसके सामने, एंड हियर इज द मेन थिंग दैट इज कमिंग अप. मस्त है. और टर्मरिक लीफ जो चार हो रहा है, अच्छा स्मेल आ रहा है उसका. वो स्मेल, ओ वाह, बहुत बढ़िया आ रहा है. वो स्मेल एंड फ्लेवर फिश में जाएगा और हम खाएंगे. काय बोलवता त्याला? हे म्हणतात बांगड्याची पुडी. अच्छा, बांगड्याची पुडी. ओके. आणि विशेषतः ते ह्याच्यात ना आपल्या हळदीच्या पानात लपेटून ते म्हणजे निखाऱ्यावरती भाजलं जातं. क्वाईट युनिक आहे, म्हणजे जेवढ्या ठिकाणी गेलो आणि मी हॅव नेव्हर सीन समथिंग लाईक दिस.
टर्मरिकचं उद्दिष्ट म्हणजे काय, ते अँटीसेप्टिक आहे. ओ मेडिकल बेनिफिट. मेडिकल बेनिफिट आहे. परत रुच जी आहे ना, चव जी आहे वेगळ्या पद्धतीची येते. क्वाईट इंटरेस्टिंग. काय मस्त मॉइस्ट झालं, एकदम सक्युलंट एकदम. चिना उघडून खातात. अच्छा उघडून खातात. सो सारा या फॉरेस्ट से है, केरकर सर के पूरा आज वो जो फॉरेस्टी है वैसे. सो दिस थिंग दैट यू सी इज काय, कराने कराने. ओके हाँ, काटे कणगे. काटे कणगे ओके. माड़ी. Exactly the way that Thai had mentioned. Oil nahi dalega isme, it's quite good for health. Oil Thai nahi. It's smelling heaven, trust me. Bahut badhiya lag raha hai. So what this thing will do is, jo uska steam hai usko usi mein rakhega. It will not give it to evaporate. Flavors aayega usi mein uske. So finally, केरकर सर इज हियर विद अस. कल बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया था और जो लेट्स जस्ट गेट टू हिम. सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम. तुमचं ते बिझी शेड्यूल आम्ही बघतो आहे कालपासून, बॅक टू बॅक एव्हरी वन इज आफ्टर हिम. सो एस्टडी यू आर टेलिंग अबाउट द विनेगर थिंग अँड ऑल द इन्फ्लुएन्स ऑफ पोर्चुगीज. सो कॅन यू जस्ट पीपल बिफोर कमिंग ऑफ द पोर्चुगीज इन गोवा, दे वर नॉट यूजिंग विनेगर. सो विनेगर वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर, अवर फूड. बट विथ द कमिंग ऑफ द पोर्चुगीज मेनी ट्रान्सफॉर्मेशन टूक प्लेस अँड देन द यूज ऑफ द विनेगर बिकेम पॉप्युलर इन गोवा. अँड इन गोवा यू कॅन सी डिव्हिजन एज फार एज अ फूड इज कन्सर्न, हाऊ टू प्रिपेअर. So in the Christian house of Goa, the preparation differ, whereas in Hindu house you can see some of the ingredients which are used. They are locally available. So instead of vinegar, they were making use of the dried mango or you can see the skin of the Garcinia indica, that is kokum. Because of this, the taste of the mackerel curry become totally unique. Exactly, the one that I'm experiencing now, the one that's cooking at your home now, mackerel. Yeah. So केरकर सर के जगह पे तीन तरीके का मैकरल बन रहा है एंड बहुत ही अमी लग रहा है. जो नेचुरल टर्मरिक लीव्स उनका जो बैकयार्ड से निकाल के बनाया जा रहा है. एग्जैक्टली जो सर हमें कल बता रहे थे, द डिस्टिंक्ट थिंग अबाउट दिस इज वॉट एक्चुअल गोवन फूड स्क्रीम्स अबाउट. थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. मतलब बस जो चाहिए था वो आई गॉट इट हियर. थैंक यू सो मच. तो हम लोग अभी तो सर केरकर सर के घर से निकल रहे हैं, बट जो खाने का फ्लेवर है यार, मतलब कितना तारीफ़ करूँ, कितना तारीफ़ करूँ. आई गेस ऐसा वाला फ्लेवर लास्ट मेरे को केरला के ट्राइबल विलेज में मिला था. कोनंगन सब खाए थे हम, चिकन करी खाए थे. इट्स सोल फीलिंग. क्या फ्लेवर है वो, जो टर्मरिक के पत्ते में स्टीम करके पूरा मुंह को लग गया फ्लेवर वो. टच वुड थैंक गॉड. चालू है? हाँ चालू. ये पहला मेरा रोटी है लाइफ का, जिसके लिए पूरा मार्केट घूम के या जाके, एंड कोई बनेगा भी क्या वो गारंटी नहीं है. सो फाइनली फायनली डे हॅज कम. मी बनवायला, तुम्ही जरा प्लीज खाऊन सांगा कसं आहे.